मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो एक पुराने कार्यकर्ता थे और किसी कारण से एक दूसरे कार्यकर्ता थे, उनको कुछ लगा होगा कि इनकी कोई बात सही नहीं है, तो उनने डिक्टाफोन वगैरह लगा करके रिकॉर्डिंग करी। 12-15 दिन लगाए, आज की तरह का समय नहीं था कि व्यक्ति और तरीके से रिकॉर्ड कर सके, तो डिक्टाफोन लगा करके रिकॉर्ड किया। 12-15 दिन लगाने के बाद गुरुदेव के पास गए, ले जा करके गुरुदेव के सामने रिकॉर्डिंग रखी। बोले गुरुदेव ऐसा ऐसा वो कह रहे थे। गुरुदेव हंसे, बोले बेटा एक बात बता, 12-15 दिन तूने रिकॉर्डिंग करने में लगाए, इसके दो ही अर्थ, एक तो तेरे पास 12-15 दिन का खाली समय था जो तू और कुछ न करके सिर्फ दूसरे की रिकॉर्डिंग करता रहा, दूसरा ये सोच करके देख कि 12-15 दिन तूने यदि नकारात्मक भाव के साथ गुजारे और इतने ही समय को साधना उपासना में आत्मकल्याण में लगाता तो कितना फल मिलता। तीसरा गुरुदेव बोले और इतनी प्यारी बात बोले, मैं कभी भूलता नहीं, बोले बेटा शांति कुंज में क्या घट रहा है, गायत्री परिवार में क्या घट रहा है, ये जानने के लिए मुझे तेरे टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता नहीं। बोले शांति कुंज मेरा शरीर है, शांति कुंज मेरा शरीर है, इस पर मक्खी भी बैठती है तो मुझको पता चल जाता है, यहाँ पर मक्खी भी बैठती है तो गुरुदेव को पता चल जाता है। तो आप सोच करके देखिए कि किस शक्ति के विषय में चर्चा हो रही है। इस संसार में बहुत लोग बड़े हैं दोस्तों, ये धरती बड़ी 13,000 किलोमीटर कहते हैं इसका व्यास है। आप यदि एक स्थान से चलें और दूसरे स्थान तक जाना चाहें तो पहुंचने में हो सकता है कि पूरा जीवन चला जाए तब भी पूरी धरती की परिक्रमा संभव न हो सके। तो ये धरती बड़ी, पर इससे बड़ा तो सूरज है। आप जरा सोच के देखिए, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को पता है कि नहीं, पर एक सूरज के अंदर कितनी धरतियां समा सकते हैं, एक सूरज के अंदर 10,00,000 पृथ्वियां समा सकते हैं। अभी सूरज के अंदर से सोलर फ्लेयर निकली तो उस एक सोलर फ्लेयर की जो लंबाई थी वो 83 पृथ्वियों के बराबर थी। तो धरती बड़ी, पर धरती से बड़ा सूरज, और सूरज के अंदर 10,00,000 पृथ्वियां समा जाती हैं, और वो सूरज भी सबसे बड़ा नहीं है। हमारे से 3 सौरमंडल छोड़ करके जो सूरज है वो इतना बड़ा है आर्कटूरस कि उसके अंदर हमारे जैसे सूरज के 25 सूरज समा जाते हैं, पर वो भी बड़ा नहीं है। उससे बड़ा एक और तारा है, उसका नाम है कैनिस मेजोरिस, उसके अंदर हमारे जैसे सूरज के 1.3 खरब सूरज समा जाते हैं, इतना बड़ा है, पर वो भी सबसे बड़ा नहीं। उससे बड़ा टोन 216 नाम का एक सितारा है, उसके अंदर 140 खरब सूरज समा जाते हैं, 140 खरब सूरज, एक सूरज के अंदर 10,00,000 पृथ्वी, उन 10,00,000 पृथ्वियों में से एक जगह पर हम छोटे से व्यक्ति के रूप में विद्यमान है। तो इस ब्रह्मांड में हर बड़े से बड़ा कोई ना कोई है, और मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ा है उसका नाम परम पूज्य गुरुदेव है। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई एक शक्ति है और एक कोई चेतना है जो शायद सबसे बड़ी है और सबको अपने अंदर समाहित करने की सामर्थ्य रखती है, तो वो गुरुदेव है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि लोगों को अच्छी लगे, अलंकारिक लगे, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग इनको प्रशंसा की दृष्टि से देखें, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें सच है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात पर मुझको पूरा पूरा भरोसा है कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चेतना है तो उनका नाम परम पूज्य गुरुदेव। और इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में आज जुड़ने वाले कार्यकर्ता, 100 वर्ष बाद जुड़ने वाले कार्यकर्ता के मन में ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो सके कि बात किसके लिए की जा रही है। नहीं तो लोग सूरज को जुगनू समझ करके बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम लोगों को उठाकर गुरुदेव के चरणों के अंदर डाल दिया जाए तो हमारे जैसे करोड़ों व्यक्तित्व मिलकर भी गुरुदेव के चरणों की धूल नहीं बन सकते। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।